कुमराज के वार्ड क्रमांक 1 से कांग्रेस के प्रत्याशी पर जनसंपर्क के दौरान हमला हुआ। संतोष को गंभीर चोट आई है। आपको बता दें कि संतोष के साथ उसके भाइयों और माता जी पर भी हमला हुआ है और घर में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया है। मामले में लक्ष्मण सिंह ने प्रशासन को चेतावनी दी है। बता दें कि कुमराज के वार्ड क्रमांक 1 से कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष अहिरवार देवश्याम जनसंपर्क कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने गाड़ी से आकर उन पर लाठियों से हमला कर दिया। इससे संतोष को गंभीर चोटें आई हैं। संतोष का कहना है कि सभी लोग भाजपा से संरक्षण प्राप्त हैं और सभी लोगों की पहचान भी हो चुकी है। इस आशय की शिकायत भी संतोष के द्वारा कुंभराज थाने में की गई है। इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि चुनाव सही से लड़ा जाए, गुंडागर्दी ना हो, मतदाता बर्दाश्त करेंगे ना ही कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चुप्पी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। साहब, मैं संतोष अहिरवार, वार्ड नंबर 1 प्रत्याशी कांग्रेस, वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहा था। चूंकि जनसंपर्क कर रहा था मैं भी, रात को 10 बजे मेरी गाड़ी खड़ी थी रास्ते में, मीना के आए 4-5 गुलवाड़ा के गुंडे, लट ले करके मुझे कहने लगे रास्ते में, तो गाड़ी हटा मादर चोद, गाली दे करके बोले। मैंने कहा गाली मत दो भैया, हटा रहा हूँ, उनकी गाली कैसे दे रहे हैं। तो साहब हंसने लगे और मुझे थपड़े मपड़े देने लगे, लट निकाल करके मेरे खोपड़ी में सूद दिया। मैं घर पे आ करके हमारे घर वालों को बुला के ले गया, भैया मैया को, तो भैयाओं पे लट बरसाने लगे। 50-60 आदमी यहाँ मोहल्ले में आए, घर पे गालियां देने लगे, चमरू अड्डू कहने लगे मेरे भाई को। पीछे पड़ गए जब वो थाने में पहुंच गए, श्रीमान जी अभी कोई पुलिस यहाँ पे नहीं पहुंची, जबकि मैंने पुलिस को 4-5 बार खबर कर दी है। और साहब बाहर पूरी भीड़ लगी है, वो गुंडे मेरे घर के आगे पीछे टहल रहे हैं, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। आप सबसे कुमराज नगर परिषद के हमारे प्रत्याशी संतोष बोध, उनके साथ कल अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। पता लग गया है किस गांव के हैं, पता लग गया है कौन लोग हैं, और बहुत गंभीर चोटें संतोष को आई हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ अगर मारपीट होगी तो ये मारपीट करने वालों की सबसे बड़ी भूल होगी। मैंने कलेक्टर SP से बात की है, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है पकड़े जाएंगे, SC एक्ट लगेगा और वो छूटेंगे नहीं। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, राजनीति करो शांति से करो, गुंडागर्दी न जनता बर्दाश्त करेगी न कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को किसी ने हाथ लगाया तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ, कल मैं जा रहा हूँ, ईश्वर संतोष को जल्दी ठीक करे और जल्दी ठीक होकर हमारे बीच आएगा। और हम कल प्रशासन से मैं चर्चा करूंगा, गृह मंत्री से चर्चा कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ।